दोस्तों व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे अपना पूरा फोटो कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों जब व्हाट्सएप पे आप प्रोफाइल फोटो लगाते हैं तो वहाँ आपको फोटो को क्रॉप करना पड़ जाता है, जिस कारण बस दोस्तों आपका फोटो का कुछ पार्ट ही आपके प्रोफाइल में मीन्स आपके DP में दिखता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक फोटो को चूज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ से एक फोटो को सेलेक्ट कर लिया, दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या होता है कि उस फोटो को आपके कुछ पार्ट को ही वहाँ पे व्हाट्सएप के DP पे आता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस फोटो को मैं पूरा यहाँ पे व्हाट्सएप के DP पे नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आप इस फोटो को पूरा अपने प्रोफाइल में लगा पाएंगे बिना क्रॉप किए। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, उस ऐप का नाम है स्नैपसीड। आप दोस्तों इस ऐप को ओपन करेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जिस फोटो को दोस्तों आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपको सिंपली गैलरी से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसी फोटो को जिस फोटो को मैं व्हाट्सएप पे लगाना चाहता हूँ पूरी फोटो को, आप दोस्तों उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपनी गैलरी से, इस ऐप में इंपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे फोटो आपको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे दोस्तों इस ऐप में आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आपको दोस्तों ऐप को यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको दोस्तों उस टूल्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे साइड में आपको एक्सपेंड का ऑप्शन मिलेगा, आपको एक्सपेंड पे आपको क्लिक करना है। उस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद सिंपली आपकी जो फोटो को है एक्सपेंड करना है, मीन्स आपको इसको स्क्वायर बनाना है, फोटो को चारों साइड बराबर करना है। इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा साइड से खींचेंगे और इस साइड भी थोड़ा सा खींचेंगे, जहाँ से दोस्तों ये फोटो है वो स्क्वायर बन जाएगी। आप इस ऐप में दोस्तों अच्छे से खास एडिटिंग भी कर सकते हैं फोटो को, और आपको अपने फोटो को स्क्वायर बना लेना है। देन दोस्तों आपकी जो ये प्रोफाइल की फोटो है जो व्हाट्सएप पे लगाना चाहते हैं, इस फोटो को बिना क्रॉप किए पूरी फोटो यहाँ पे आपको आप इसे सेव कर पाएंगे, अपने प्रोफाइल फोटो में लगा पाएंगे। आपको इसे स्क्वायर बना लेना है दोस्तों इस ऐप में। आपको दोस्तों सिंपली इसे करने के बाद नीचे आपको चेक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एक्सपेंड करने के बाद सिंपली वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो है ये फोटो आपको सेव करना है अपने गैलरी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जैसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों आपको इस फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा कोने में, आपको उस एक्सपोर्ट वाली बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक सेव का ऑप्शन आएगा, आपको इस सेव वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर से दोस्तों इस फोटो को गैलरी में सेव होने के बाद आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। अब दोस्तों आपको व्हाट्सएप को ओपन करके मैं यहाँ पे आपको इस फोटो को प्रोफाइल पे लगाता हूँ, अब मुझे ये फोटो को क्रॉप नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोस्तों मैं यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ जिस फोटो को अभी मैंने एक्सपेंड किया आप उस स्नैपसीड ऐप से। आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऐप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे क्रॉप नहीं करना पड़ रहा है, बाकी पार्ट बच रहा है, पूरी फोटो यहाँ पे DP पे आ रही है। तो दोस्तों आप भी इस ऐप के थ्रू आप अपने प्रोफाइल फोटो को पूरा लगा सकते हैं एक्सपेंड करके, जब आपकी क्रॉप ना करना पड़ेगा। दोस्तों इस फोटो में आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग भी कर सकते हैं फोटो को, ये फोटो देख रहे हैं मैंने उसी ऐप से एडिटिंग किया है, आपको उस ऐप में बहुत कुछ मिल जाता है। आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा तो मैं आपको उस ऐप के बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उस ऐप के बारे में बताऊँगा सब कुछ, कैसे कौन सा टूल्स का क्या यूज है, कैसे एडिट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को कमेंट में बताना, फिर मैं आपको उस अगली वीडियो लेके आऊँगा स्नैपसीड ऐप के बारे में अच्छी से। एंड दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। एंड दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।